हेलो एंड वेलकम बैक टू एट अनदर वीडियो फॉर चैनल। और आज की इस वीडियो में हम जंगल के अंदर विल बी देयर फॉर अ डे। सो या दैट्स इट, लेट्स स्टार्ट। हेलो एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो फॉर चैनल। और आज के इस वीडियो में हम एक रैंडम ट्रिप पे निकले और गाड़ी है बुलेट, वो जा रही है अपनी नाइट फ्यूरी। हम लोग पूरा फैमिली के साथ एक टूर कर रहे हैं जस्ट 50 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम माय प्लेस। देखते ही देखते हम महाराष्ट्र बॉर्डर क्रॉस करके MP में एंटर कर दिए। यहाँ के रोड्स एंड द सीन्स आर प्रिटी गुड। डिफरेंट वेराइटी ऑफ फार्मिंग वी हैव सीन देयर, इंक्लूडिंग ऑरेंज फार्म, ग्रीन गम फार्म, चना, वो भी देखने को मिले। अपार्ट फ्रॉम दैट, ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स ऑफ द डैम। रास्ते बहुत प्यारे हैं यहाँ पे एमपी के अंदर। तो ये हाईवे है जो पांडुना से बाईपास होता है और पांडुना स्किप करके हम अगले एरिया में जाने वाले हैं। रास्ता बहुत ही सुंदर है जैसे कि आप देख सकते हैं। एक छोटा सा राइड हुआ, अभी थोड़ी देर के लिए रुके थे, शुरू करते फिर से जर्नी। फिर से अभी हम वापस आ गए अपने नाइट फ्यूरी पे, क्योंकि भाई रॉयल एनफील्ड अपन को जची नहीं। क्या नज़ारा है भाई, एक साइड में प्रॉपर डैम है और एक साइड में घाट करके ऐसे ही घूम के अपन उधर उधर उतरने वाले हैं। मस्त, टर्न्स भी काफ़ी प्यारे हैं। आपको कैसे लग रहा है ये, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। जैसे जैसे डेस्टिनेशन के नज़दीक पहुंच रहे थे पूरी गांव वाली वाइब्स आने लगी। वी आर ऑलमोस्ट देयर। आज के वीडियो में पूरा आपको प्रॉपर जंगल सीन देखेंगे। और लोकेशन जो है ना अपनी, वहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है, एक नदी है एंड देन एक झरना भी है छोटा सा। लास्ट टाइम जब गए थे तब झरना बह नहीं रहा था क्योंकि पानी नहीं था। लेट्स सी इस बार है कि नहीं। दैट्स द प्लेस। अपने घर की गाड़ियाँ लग गई है। वी आर फाइनली हियर एट द लोकेशन। लोकेशन मेरे कुल देवता है यहाँ पे। सो लोकेशन का नाम, पापा गांव कौन सा है, भेंडखेड़ी समथिंग। तो लोकेशन पूरा ऐसा आजू बाजू में खेत है और अपनी गाड़ियाँ यहाँ पे पार्क कर दी है। सो पार्किंग यहाँ पे वेल है। एक गाड़ी इधर लगी हुई है, वो वाला मंदिर है। तो ये कुछ जगह है, यहाँ पे छोटा सा नदी है, नदी से मनते नाला ओढ़ा है नाला, ये मंदिर। और वहाँ पे जाके हम लोग बैठने वाले हैं जहाँ पे मेरे घर वाला ऑलरेडी दिख रहा है। तो वील जस्ट क्विकली क्रॉस दिस थिंग एंड वील गो देयर। तो यही मज़े होते हैं जब आप फैमिली के साथ ट्रिप पे आते हो। खाना भाई घर का, यहीं पे खाना बनेगा अभी। ये कुछ जगह है यहाँ पे। क्या बनता भाई, नहीं झाड़ा। तो अभी जंगल में आके खाना है, तो खाना बनाना पड़ेगा। और खाना बनाने के लिए गैस चाहिए होता है, अपने पास गैस नहीं है। तो हमें लकड़ियाँ कलेक्ट करनी है अभी। तो बस यही कुछ एरिया है जहाँ से हम लोग लकड़ियाँ कलेक्ट करके खाना बनाएंगे। दिस साइड गिरते गिरते बच गए। ये पूरा प्रॉपर सीन चल रहा है यहाँ पे। मेरे घर के सब बच्चे
नीचे जाके पानी में खेल रहे हैं और जो लेडीज़ है वो खाने के लिए तैयारी कर रही है और हम लाकड़ तोड़ा बने लकड़े तोड़ने आए हैं यहाँ पे। मेरे को यहाँ पे दिख तो नहीं रहा है कुछ, चलो विल ट्राई हंट फॉर लकड़िया। ओके फाउंड वन। इस पे कीड़े है भाई। ओ ये क्या है, इसमें रहता है हनी। यहाँ पे ऐसा लग रहा है बाढ़ वगैरह आया होगा और ढह गया, तो जितना ये झाड़ है मैं लेके जा पाऊंगा आई एम नॉट रियली श्योर। लेट्स सी अगर लेके जा सकते, किसी को बुलाते हैं। मेहनत कर रहे हैं मेहनत। और फिर टूटे हुए पेड़ को लेके आए जंगल वाली रसोई में। अभी घर के सभी लोग लगे ईंधन जमा करने के लिए। मेरे अंकल वो साइड में जाके कहीं से तो ईंधन लेके आए, ईंधन मैजन पेड़ लेके आए कटा हुआ। हम लोग भी जाते उधर और वो पिक करके इधर लेके आते। मस्त थक गए, छोटे छोटे ट्रिक्स। नदी एंड ये जगह ब्यूटीफुल। थाम दिकड़े थाम दिकड़े। पड़छिन नहीं ना। After collecting ईंधन we have stock it up again in the रसोई area। और तब तक preparation शुरू हो गई थी अलग अलग चीज़ों की। जैसे कि पानगा अ विदर्भियन डिश, इट्स वेरी फेमस इन विदर्भा। बैंगन का भरता और फिर सबकी फेवरेट चाय। अब खाने की तैयारी तो हो गई, फिर हम निकले जगह एक्सप्लोर करने के लिए। एंड वी क्लाइम बैक डाउन टू रिवर और सीन कुछ ऐसे है। घर के लोग तो पागल हो रहे हैं यहाँ पे। पागल हो रहा मतलब ये रहे, यहाँ पे कुछ लोग फोटो निकाल रहे हैं एंड यहाँ पे आपकी फैमिली बैठी हुई है और ये छोड़ के बहुत सारे लोग उधर भी बैठे हैं। नदी के रास्तों से थोड़ा आगे जाने पर वी सॉ फार्मिंग्स एंड मेट सम पीपल। तुम इकड़े तो रहता का इधर। तो वही साहब रोहित के साथ हम लोग जा रहे हैं उसके घर देखने। क्या रोहित, ये खेत है, गांव तो उधर है। हाँ खेत है, गांव उधर है ना। तू रोज आता है क्या यहाँ पे? हाँ। कितने साल का है तू? 7 साल का है। हाँ। फिर थकता नहीं तू? नहीं। स्कूल नहीं जाता? स्कूल बंद है। हाँ। कोरोना की वजह से स्कूल बंद है। इसका क्या नाम है? शेरू क्रोकलर। ये नहीं है क्या? वी वर ऑलमोस्ट मेस्मराइज्ड विद द ब्यूटी ऑफ सराउंडिंग एंड वी स्पेंट सम टाइम विद रोहित की फैमिली। वहाँ आज भी अपने ट्रेडिशनल तरीकों से सिंपल लाइफ लोग जी रहे हैं एंड वी हैड सम टॉक्स विद द फैमिली। लाइट चालू रहते का? हाँ लाइट चालू रहती थी। कितनी बड़ी लाइट रहती? लाइट तो है 24 घंटे रहते दोनों फेज। 24 घंटे। हाँ 24 घंटे।
ऐसे जब हम जाते बाहर घूमने, यही मज़ा होता है कि बहुत सी चीज़ हम पहले के ज़माने में करते थे, जैसे आटा गूंदना जो अपन ने यहाँ पे देखा, तो ये सब चीज़ें देखने को मिलती है, चीज़ें नाइस एक्सपीरियंस। और फिर हम पूजा करने वापस आ गए। तो भाई ऐसी जगह पे आने के बाद एक अलग ही खुशी मिलती है। यू कैन स्पेंड लॉट ऑफ टाइम विथ योर फैमिली और घर वाले भी खुश होते हैं और यू विल गेट हाइप्ड अप फॉर नेक्स्ट एटलीस्ट 6 मंथ्स। यहाँ पे एक बात जो मुझे अतरंगी लगी वो है इस जगह के जो पेड़ है ना, उनकी टहनियाँ वो कुछ अलग ही तरीके से ग्रोथ कर रही है। जैसे ये देखो, ये ऐसा लग रहा है एनाकोंडाज है ना, दो टहनियाँ अलग हुई है एंड फिर से वो जुड़ गई है। ये देखो पेड़ की जड़ें और कितने लंबे पेड़। तो इन जनरल ये जगह बहुत प्यारी है, पूरे फैमिली के साथ है, जैसे कि मैंने आपको बताया आई कैन आराम से स्पेंड पूरा दिन यहाँ पे। रात में जनरली हम कभी रुके नहीं हैं जंगलों के बीच में, इट्स नॉट लाइक इवन रिकमेंडेड। तो आराम से हम लोग आते हैं, हर बार मॉर्निंग में आते हैं। दिस इज़ लाइक अ प्राइवेट प्लेस फॉर अस। जनरली हर साल आने का ट्राई करते हैं, नहीं हुआ तो एक दो साल में तो आ ही जाते हैं, या फिर कुछ अच्छा प्रोग्राम हुआ घर पर तो आ ही जाते हैं। चलते अभी खाना भी खा लेते हैं, भूख भी लगी है। दोपहर का टाइम हुआ है 4:30 और अभी तक हम लोग ने खाना नहीं खाया। ऊपर चलते हैं, खाना खाते हैं, पहलते हैं जम के। बाय। सो फाइनली द डे इज अबाउट टू एंड एंड वी लेफ्ट दिस प्लेस ऑन गुड नोट। और आज का अगर ये व्लॉग आपको पसंद आया फॉर व्हाट सो एवर रीजन, आपने यहाँ तक देखा तो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन एंड स्मैश द सब्सक्राइब बटन। ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलो बाय बाय।